कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंशवाद और भ्रष्टाचार की महामिलावट करने वाले दल आज आपके इस चौकीदार से परेशान है। अपना भ्रष्टाचार जारी रखने के लिए ये सभी यहां यूपी में भी एकजुट हो गए हैं। अब सोचिए, जिस पार्टी के नेताओं को जेल भेजने के लिए बहन जी ने जीवन के दो दशक लगा दिए, अब उसी से उन्होंने हाथ मिला लिया। जिस दल के नेता बहन जी को गेस्ट हाउस में भी खत्म कर देना चाहते थे, अब वो उनके साथी बन गए। और यूपी में तो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि पूछिए ही मत। अभी पिछले चुनाव में दो लड़कों का खेल देखा, ये दो लड़कों से बुआ बबुआ तक पहुंचने में जो तेजी दिखाई गई है, बड़ी गजब है जी। भाइयों और बहनों, इन लोगों के लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा बना रखा था, यूपी को लूटो बारी बारी। इसी नारे पर ये लोग बरसों तक चलते रहे, लेकिन साल 2014 में और फिर 2017 में यूपी के लोग इन्हें दिखा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटने की कोशिश अब सफल नहीं होगी। सब लोग जान गए हैं कि देश बचेगा तभी तो सभी समाज भी बचेंगे। इसलिए इस बार भी यूपी की जनता का फैसला 2014 और 2017 के चुनाव उससे भी ज्यादा शानदार आने वाला है। और मेरे भाइयों बहनों, ये याद रखिए, बोर्ड बदलने से दुकानें नहीं बदलती। सपा बसपा के शासन की पहचान यूपी के लोगों को दिया धोखा उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं है। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के दुष्परिणाम मेरे मेरठ को, हापुड़ को, कैराना को, मुजफ्फरनगर को सहने पड़े हैं, आपको सहने पड़े हैं। सपा के शासन काल में हुए दंगों का देश, उसका दंश आप सब आज तक झेल रहे हैं। यहां स्थिति यह हो गई थी कि लोगों को अपना घर तक छोड़कर भागना पड़ा था। गुंडा राज किस तरह कायम था, आप इसके लिए भुक्तभोगी रहे हैं। मत भूलिए, ये वही लोग हैं जो तीन तलाक के खिलाफ कानून का विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि तीन तलाक की वजह से महिलाओं की हत्या नहीं होती, कम से कम वो बच तो जाती है। क्या दिमाग है इन लोगों का, सोचिए किस तरह सोचते हैं लोग। मुझे जो ये भी पता चला है कि पिछले चुनाव में ऐसे ही लोगों के दबाव में मुस्लिम महिलाओं को वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया गया।
मैं हर मतदाता से आग्रह करूंगा, कितना भी दबाव हो आपके वोट के अधिकार को जाने मत दीजिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, भाई हो, बहन हो, युवा हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, हर किसी ने वोट करना चाहिए। और इसलिए जो आप पर अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ, अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ, उनकी हरकतों को, उनके बयानों को आप भूले नहीं, उन्हें सजा देने के लिए 11 अप्रैल को अपने घर से जरूर बाहर निकलें।